फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी हम एयरलाइंस की फटाफट खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज के इन फटाफट खबरों में बहुत कुछ रहने वाला है, जैसे कि फ्लाइटों को चालू करने को लेकर क्या बातें हो रही हैं, गवर्नमेंट से एयरलाइंस कंपनियों को मिलने वाले राहत पैकेज को लेकर, और उसके बाद एविएशन सेक्टर में होने वाले सुधार को लेकर। इसके अलावा इसमें और भी बहुत कुछ रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के डोमेस्टिक एयरलाइन से पहली खबर लेते हैं फ्लाइटों को चालू करने को लेकर। आपको बताना चाहेंगे कि एयरलाइंस कंपनियों ने DGCA को अपना प्लान सबमिट कर दिया है कि वे फ्लाइटों को चालू करने को लेकर पूरे तरीके से तैयार हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले DGCA के यहाँ से एक ड्राफ्ट SOP आया हुआ था, जो कि सभी एयरलाइंस कंपनियों को शेयर किया गया था, जिसके आधार पर उनको फ्लाइटें ऑपरेट करनी थी। अब इसमें बड़ी खबर ये आ रही है कि एयरलाइंस कंपनियां उस ड्राफ्ट SOP को लेकर अपनी सहमति बना चुकी हैं और अपनी फ्लाइटें भी चालू करने को लेकर तैयार हैं। एयरलाइंस से अगली खबर लेते हैं एविएशन सेक्टर के रिफॉर्म को लेकर। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इंडियन एविएशन सेक्टर को साल 2022-23 तक 35,000 करोड़ रुपए के एडिशनल फंडिंग की आवश्यकता होगी। आपको बताना चाहेंगे कि इस एडिशनल फंडिंग की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इस समय मौजूदा हालात के चलते एयरलाइंस कंपनियों को इतने ज़्यादा लॉसेस हो गए हैं कि आने वाले समय में 2 से 3 एयरलाइन कंपनियां बैंक करप्ट हो सकती हैं यदि उनको ये सहायता राशि नहीं दी गई तो। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है एयरलाइंस कंपनियों को बचाने के लिए मिल रहे राहत पैकेज को लेकर। आपको बताना चाहेंगे कि 16 तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यह अनाउंस किया कि वह यूटिलाइजेशन ऑफ एयर स्पेस को और अधिक बढ़ावा दे रही हैं, जिससे सिविल एविएशन सेक्टर को हर साल 1,000 करोड़ रुपए तक का फायदा होगा। इसके अलावा देश के 6 और नए एयरपोर्ट को प्राइवेट करने के ऊपर भी बातचीत चल रही है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर के इस नए अनाउंसमेंट से केवल कुछ बेसिक लेवल पर रिफॉर्म हो सकता है। इस राहत पैकेज के अलावा भी एयरलाइंस कंपनियों को अभी भी और सहायता राशि की उम्मीद है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है फ्लाइटों के टिकटों को लेकर। आपको बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में फ्लाइटों की सर्विस दोबारा शुरू होने पर एयरलाइंस के टिकट प्राइस नॉर्मल किराए से ज्यादा हो सकते हैं। इसमें एयरलाइंस कंपनियों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे फ्लाइटों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हालांकि एयरलाइंस कंपनियां इस समय बीच वाली सीट को खाली रखने को लेकर तैयार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी एयरलाइंस कंपनियों को विमान में कम से कम 5 से 6 सीटें खाली छोड़नी पड़ेंगी, ताकि यदि किसी पैसेंजर्स में किसी भी तरीके का कोई सिम्टम नजर आता है तो उस पैसेंजर्स को बाकी पैसेंजर से अलग किया जा सकेगा। अब नजर डालते हैं इंटरनेशनल खबरों की तरफ। तो पहली खबर लेते हैं पाकिस्तान से। आपको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने यहाँ पर भारत से पहले अपनी डोमेस्टिक फ्लाइटों की शुरुआत कर दी है और बीते कल दोपहर 1 बजे पाकिस्तान ने लॉकडाउन के बाद अपनी पहली डोमेस्टिक उड़ान कराची से लाहौर के लिए भरी, जिसमें तकरीबन 84 पैसेंजर सवार थे। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है वर्जिन अटलांटिका से। कैश के संकट से जूझ रही वर्जिन अटलांटिका, जो कि इस समय अपने लिए नए खरीदार की तलाश कर रही है, आपको बताना चाहेंगे कि इस एयरलाइन कंपनी को खरीदने के लिए इंडिगो भी लाइन में है। इसके अलावा वर्जिन अटलांटिका को खरीदने के लिए कई बड़े बड़े इन्वेस्टर और एयरलाइंस कंपनियां भी तैयार बैठी हैं, जिसमें अमेरिका, यूरोप और खुद ऑस्ट्रेलिया की बड़ी एयरलाइन कंपनियां शामिल हैं। इन सब के बावजूद बताया ये जा रहा है कि वर्जिन अटलांटिका को कोई ऑस्ट्रेलियन कंपनी ही खरीद सकती है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है अमीरात से। आपको बताना चाहेंगे कि अमीरात अपनी उड़ानें फिर से ऑस्ट्रेलिया के लिए शुरू करने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के 2 शहर सिडनी और मेलबर्न के लिए अमीरात की 2 डायरेक्ट उड़ानें होंगी। इसके अलावा अमीरात 21 मई से और भी कई बड़े लोकेशन जैसे कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, मिलान, मैड्रिड, शिकागो के लिए अपनी उड़ानें शुरू करने की तैयारी बना चुका है। फ्रेंड्स, हम समझ सकते हैं कि आपको इन फटाफट न्यूज़ में डिटेल एनालिसिस नहीं मिल पा रही होगी। यदि आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बोल सकते हैं। किसी भी एक टॉपिक जिस पर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस टॉपिक पर हम डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक उड़ान भरने का रिकॉर्ड किस एयरलाइन के पास है? तो आपको बताना चाहेंगे कि ये कारनामा खुद एयर इंडिया ने अचीव किया हुआ है, जो कि उसने सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली तक की उड़ान जो कि 9,500 माइल्स है, उसको एयर इंडिया ने 14 घंटे 30 मिनट में पूरा किया। फ्रेंड्स, ये थी एयरलाइंस की आज की कुछ ताज़ा खबरें। अगर आप रोजाना एयरलाइंस की ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि हम रोजाना सुबह एयरलाइंस की ताज़ा खबरें लेकर आते रहते हैं।